वेलकम बैक टू द वीडियो। और बात करें इंस्टाग्राम पर मैसेज सीन हाइड कैसे करें। जी हाँ गाइस, जब कभी भी आप किसी से चैट करते हो, नहीं जब कोई बंदा आपके पास मैसेज सेंड करता है एंड आप इंस्टाग्राम पर उसका मैसेज देख लेते हो, तो उसको तुरंत पता चल जाता है कि आपने उसका मैसेज सीन कर लिया है, यानी कि उसको वहां पर सीन जस्ट नाउ का ऑप्शन शो करता है। लेकिन अगर आप चाहो उसको ऑफ कर सकते हो। आप किसी का मैसेज सीन करोगे, सामने वाले बंदे को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज देखा या नहीं देखा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, मेरे फोन में दो इंस्टाग्राम ऐप है। फर्स्ट जो है इसमें मेरी आईडी लॉगिन है, यानी कि इसमें ये वाली आईडी, ठीक है। एंड यहां पर जो सेकंड इंस्टाग्राम है, इसमें आप यहां पर देखें सेकंड इंस्टाग्राम ऐप में ये वाली आईडी लॉगिन है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहां पर इस आईडी से अपने उस अकाउंट पर मैसेज सेंड करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं हेलो, मैंने यहाँ पर हेलो लिखकर मैसेज सेंड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस वाले इंस्टाग्राम पर लेकर चलता हूँ। आप यहाँ पर देखें मैं मैसेज में आ गया एंड उधर से मैसेज आ भी चुका है हेलो, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस पर टैप करूंगा, ये मैसेज सीन हो गया, ठीक है। यानी उस बंदे को तुरंत पता चल जाएगा कि इस बंदे ने मैसेज सीन कर लिया। देखिए सीन 1 मिनट अगो, यानी कि 1 मिनट पहले देखा गया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ये चीज होती है जिसकी वजह से सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि आपने उसका मैसेज सीन कर लिया है। अब इसको आप ऑफ कैसे कर सकते हो, चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप पर आ जाना है, यानी कि अपनी आईडी पर आ जाना है। अपने इस अकाउंट पर आ गया हूं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली थ्रेड पे क्लिक करना है। थ्रेड पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको करना क्या है, आपको सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड यहां पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाईज का, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपको करना क्या है, आपको सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा शो रीड रिसिप्ट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, अब यहां से आपको इस सेटिंग को ऑफ कर देना है, यानी कि रीड रिसिप्ट को आपको ऑफ कर देना है। जैसे आप इसको डिसेबल कर दोगे, अब यहां पर होगा क्या भाई, आप मतलब किसी का मैसेज सेंड करो उसको पता नहीं चलेगा। मैं यहां पर आपको दिखा भी देता हूं, मैं सिंपल यहां पर आपको होम पेज पर लेकर जाता हूं एंड यहां पर हम इनका मैसेज सेंड करेंगे एंड वहां पर मैसेज सीन भी नहीं होगा, ठीक है। मैं यहां पर आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर मैं सेकंड आईडी से यहां पर हाय लिखकर सेंड कर देता हूं। आप यहां पर देखें मैंने सेकंड आईडी से हाय लिखा एंड यहां पर मैसेज आ भी चुका है, हाय आ गया हाय। अब यहां पर मैं इसको सीन कर लेता हूं, मैंने इसको सीन कर लिया। सीन करने के बाद अब यहां पर मैं आपको वापस उसी आईडी पर लेकर चलता हूं। आप यहां पर देखें मैंने इस मैसेज को सीन कर लिया लेकिन ये अभी भी सीन नहीं हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहां पर आप अपने मैसेज सीन को हाइड कर सकते हो। सो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे आपको मैसेज सीन को हाइड करना है। सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।